फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर कुछ बेसिक जर्नल एंट्री करना। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन है कमेंस्ड या स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 80,000। 80,000 रुपए से किसी बिजनेस को स्टार्ट किया गया, इसकी एंट्री करनी है। तो वैसे अगर जर्नल एंट्री देखी जाए तो चूंकि कैश आ रहा है बिजनेस में और नियम कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसी वजह से कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा और देने वाला ओनर है बिजनेस का। ओनर का नाम कभी भी बिजनेस में नहीं लिखाता है किसी बुक में, तो उसके जगह पर कैपिटल अकाउंट लिखाता है। तो टू कैपिटल अकाउंट, चूंकि नियम कहता है पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट द गिवर, तो इसकी जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डीआर, जो भी अमाउंट है टू कैपिटल अकाउंट। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग टैली प्राइम में करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने टैली प्राइम ओपन किया हुआ है, मैं क्रिएट कंपनी करता हूँ और जिस नाम से भी कंपनी बनानी है, चलो मैंने कोई भी एक नाम दे दिया, मेलिंग नेम एड्रेस वगैरह आप दे सकते हैं, सारा स्टेट वगैरह आप चुन सकते हैं। मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्किप कर दे रहा हूँ और कंट्रोल ए से मैंने एक्सेप्ट कर लिया ताकि ये कंपनी बन जाए। और यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे वो आ गई कि आपको कौन कौन सा सेटिंग रखना है। चलो यहाँ पे जो भी सेटिंग अभी फिलहाल ऑन है उसे मैं ऑन ही रहने देता हूँ। मैंने यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। अब आप चाहो तो पहले आप लेज़र बना सकते हो, लेकिन मैं सीधा वाउचर्स में चला आता हूँ और यहीं से मैं अल्ट सी से, या यहाँ पे आपके पास क्रिएट ऑप्शन भी है लेज़र बनाने के लिए टैली प्राइम के अंदर, यहीं से मैं जैसे जैसे ज़रूरत होगा लेज़र बनाऊँगा। तो पहली एंट्री है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है 80,000 रुपए नगद से। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहली बात कि ये चूंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है इसीलिए ये F6 से ये काम होगा। आप या तो कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करो या माउस से आप यहाँ रिसीट बटन दाहिने साइड में है इस पर क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे ये रिसीट नंबर 1 आ रहा है, लेकिन अभी 2 में आपको यहाँ कैपिटल डालना है जबकि क्या आपका लेजर बना हुआ नहीं है। तो आप कीबोर्ड से अल्ट सी प्रेस करते हो और एक लेजर बना लेते हो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है वो कैपिटल में जाएगा। आपको यहाँ पे डिटेल्स भरना है, आप चाहो तो भर सकते हो, मैं तो यहाँ पे स्किप कर ले रहा हूँ। कंट्रोल ए मैंने प्रेस किया, यहाँ पे मैंने अमाउंट डाला 80,000, 80,000 रुपये बाई कैश। कैश जो लेजर है वो बना हुआ होता है टैली में, जो कि कैश इन हैंड ग्रुप के अंदर में होता है। तो यहाँ पे मैंने कैश सेलेक्ट किया 80,000 और कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। ये एंट्री आपकी हो गई। अभी देखो अगली जो एंट्री है वो है कि SBI के अकाउंट में 40,000 रुपए जमा किए गए। तो देखो यहाँ पे कैश आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और SBI रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। तो इस हिसाब से SBI अकाउंट DR टू कैश अकाउंट इसकी जर्नल एंट्री होगी। चूंकि ये बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है इसी वजह से F4 से इस काम को किया जाएगा। तो चलो टैली के स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे F4 बटन पे क्लिक करता हूँ और चूंकि 2 में कैश आपका जा रहा है क्रेडिट वार्ड गोज आउट, तो यहाँ पे 2 में आप कैश सेलेक्ट करोगे, कितना आप कैश दे रहे हो तो 40,000 जमा कर रहे हो। बाई में SBI सेलेक्ट करना होगा, लेकिन SBI का लेजर नहीं बना हुआ है, कोई बात नहीं। मैं कीबोर्ड से अल्ट सी दबाता हूँ और यहाँ पे SBI अकाउंट नाम से एक लेजर बना लेता हूँ जिसको मुझे डालना होगा अंडर बैंक अकाउंट्स। सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी, मैं फिलहाल वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। कंट्रोल ए मैंने दबा दिया ताकि ये एक्सेप्ट हो जाए। अब यहाँ पे देखो 40,000 आ चुका है, कंट्रोल ए अगेन मैंने दबा दिया, ये एक्सेप्ट हो गया एंट्री। अभी जो अगली एंट्री है वो है कि सामान खरीदा गया है नगद 5,000 रुपए पेमेंट करके। सामान का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है कि कौन कौन सा सामान है। तो अभी आप परचेज के लिए आपको F9 बटन यूज करना है। तो चलो पहले तो F9 पे मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन यहाँ पे चेंज मोड में जाके आपको अकाउंटिंग इनवॉइस लेना होगा, क्योंकि आइटम इनवॉइस अगर आप लोगे तो फिर वहां पे आपसे मांगा जाएगा कि आइटम का लिस्ट क्या है। तो अकाउंटिंग मोड मैंने ले लिया। सप्लायर इनवॉइस नंबर में अगर सप्लायर का डिटेल्स है, इनवॉइस नंबर है, तो वो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दो। रियल लाइफ की एंट्री में तो ये चीजें आपको डालनी होगी। अब चूंकि ये जो परचेज है ये नगद परचेज है, तो पार्टी के नाम में आपको कैश सेलेक्ट करना है। ये सारी चीजें डिटेल्स अगर आपके पास हो तो आप भर दो, अदरवाइज कंट्रोल ए करके आप यहां से बाहर आ सकते हो।
यहां पे भी सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी। और यहां पे आप लेजर आपने नहीं बनाया है परचेज अकाउंट, कोई बात नहीं, अभी अल्ट सी की जगह पे चलो मैं यहां माउस से क्रिएट बटन पे क्लिक कर देता हूं तो भी लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आएगा। आपको यहां पे लेजर बनाना है परचेज अकाउंट के नाम से, वो चला जाएगा अंडर परचेज अकाउंट्स। यहां पर भी सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी, मैं इसको स्किप कर रहा हूं, कंट्रोल ए मैंने कर लिया। अभी आपका जो परचेज है जैसा कि क्वेश्चन है 5000 रुपीज का है, तो अमाउंट में आपको 5000 डालना है और कंट्रोल ए करके यहां से बाहर चले आना है। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। देखो अगला जो परचेज है वो लिप्टन एंड कंपनी से है, ऑन क्रेडिट है 10,000 का। इसका मतलब है कि सामान तो आ रहा है परचेज अकाउंट या डेबिट कार्ड कम से, लेकिन उसके एवज में कैश नहीं जा रहा है बल्कि लिप्टन एंड कंपनी ने मुझे क्रेडिट पे दिया है, तो क्रेडिट द गिवर, तो इस वजह से परचेज अकाउंट डीआर टू लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट इसकी जर्नल एंट्री होगी। F9 बटन से इसकी एंट्री होगी। तो चलो टैली के अंदर मेरा यहां पे ऑलरेडी F9 तो प्रेस्ड ही है, तो दोबारा F9 करने की जरूरत नहीं है। यहां पे पार्टी के नेम में मुझे लिप्टन एंड कंपनी लेजर को चुनना होगा जो कि नहीं बना हुआ है, तो मैं यहां से अल्ट सी प्रेस करता हूं और यहां पे लिखता हूं लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट, इस नाम से लेजर बनाना है और ये चला जाएगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, बाकी डिटेल्स आप लोग भर लेंगे। कंट्रोल ए मैं करके यहां से इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, यहां भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। यहां पे भी आपको डिटेल्स भरनी होगी, अच्छा रहेगा कि डिटेल्स भर दो। और यहां पे अब परचेज अकाउंट चूंकि लेजर मैंने बना लिया, दोबारा तो बनेगा भी नहीं, तो यहां पे दोबारा बनाना भी नहीं चाहिए किसी और नाम से। तो अब ये जो क्रेडिट है वो 10,000 रुपीज का है परचेज, तो यहां पे मैंने अमाउंट में 10,000 भर दिया और कंट्रोल ए करके मैंने इसे भी एक्सेप्ट कर लिया। अब अगली एंट्री आपको आपकी है कि आपने सामान बेचा है जॉय को, लेकिन साथ में ये भी है कि आपने रिसीव किया है 11,000, मतलब कि सामान भी 11,000 का ही है। यहां पे जो नाम आया है ना वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आया है। आप सामान आप बेच रहे हैं, एवज में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश चूंकि आ रहा है तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट 11,000, तो इसकी एंट्री F8 से होगी। तो टैली की स्क्रीन को खोलते हैं। अब चलो यहां से F8 पे मैंने क्लिक किया। अब यहां पे चूंकि ये नगद एंट्री है तो यहां पे पार्टी के अकाउंट में मैं कैश लूंगा और उसके बाद यहां पे सेल्स नाम का लेजर मुझे बनाना होगा। चलो अल्ट सी मैंने प्रेस किया और यहां पे मैंने सेल्स अकाउंट नाम से एक लेजर बना दिया जो जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट। कंट्रोल ए करके मैंने इसे एक्सेप्ट किया और आपकी जो ये एंट्री है वो 11,000 की है, तो यहाँ पे 11,000 आप अमाउंट में डाल दो, कंट्रोल ए कर दो, एक्सेप्ट हो गया ये एंट्री। ओके, अब चलो अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री है कि सैलरी आप पे करते हो 5,000 रुपीज, सीधा सीधा पेमेंट का ये पेमेंट वाउचर से होगा, तो पेमेंट के लिए 5 है। चूंकि सैलरी आप पे कर रहे हो और नियम कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी अकाउंट आपका डेबिट हो गया और कैश जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो 2 में कैश हो गया। तो इसकी एंट्री करते हैं टैली पे। सबसे पहले पेमेंट बटन पे क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से F5 दबाते हैं। बाई में आपको यहां पे सैलरी अकाउंट डालना है जिसकी लेजर नहीं बनी हुई है। चलो अल्ट सी मैंने प्रेस किया और यहां पे मैंने लिखा सैलरी अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने डाल दिया, कंट्रोल ए, 5,000 रुपीज है या जो भी है वो डाल दो और 2 में कैश, चूंकि कैश आप पेमेंट कर रहे हो, यहां से इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब चलो अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री है कि लिप्टन एंड कंपनी से जो हम लोगों ने सामान खरीदा था ना 11,000 का या 10,000 का जो भी था, तो हमने उसको पेमेंट किया है लेकिन बाय द चेक ऑफ SBI। देखो साफ लिखा हुआ ट्रांजेक्शन में पेड लिप्टन एंड कंपनी बाई चेक ऑफ SBI फॉर द परचेजेस मेड ऑन 4th January या जो भी डेट हो, तो 10,000 का उस 4th January को था। तो यहां पे F5 बटन का हम लोग यूज करेंगे, चूंकि लिप्टन एंड कंपनी रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, और आपके अकाउंट से वो पैसा जा रहा है, तो 2 जिस अकाउंट से जा रहा है उस अकाउंट का नाम, तो यहां पे इसके एंट्री को F5 से करेंगे। चलो यहां बाई लिप्टन कंपनी अकाउंट 10,000 और यहां पे देखो ये बिल वाइज डिटेल्स की वजह से आ रहा है, आप यहां पे एडजस्ट रेफरेंस कर लो, रेफरेंस नंबर 2 जिससे मैंने परचेस किया था, ये
सही है। और उसके बाद टू में यहाँ पे आप SBI अकाउंट ले लो, जो कि SBI का ही चेक है। ये एंट्री आपकी हो गई, देखो यहाँ पे आ गया ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, तो चेक है, अमाउंट 10,000 का है, इंस्टॉलमेंट नंबर 1 है, जो भी डेट वगैरह आपको डालना है डाल दो, और ये आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एंट्री भी आपकी हो गई। अब चलिए आते हैं अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री है कि आपने फर्नीचर खरीदा है 4,000 रुपीज का, लेकिन ये देखो फर्नीचर जो है ना गुड्स तो है नहीं, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स है। तो फिक्स्ड एसेट्स को जब आप खरीदते हो तो उसकी एंट्री आपको कभी भी F9 से नहीं करनी है, उसकी एंट्री F5 से करनी है। फर्नीचर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट DR होगा 4,000 रुपीज का, और उसके अगेंस्ट में कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, तो इसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे करते हैं। पेमेंट मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट नहीं बनाया। चलो Alt+C मैं यहाँ प्रेस करता हूँ और लिखता हूँ फर्नीचर अकाउंट, ये अंडर हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, Ctrl+A। कितने का है फर्नीचर, तो 4,000 का है, तो यहाँ पे मैंने 4,000 लिखा, टू, तो टू, अब देखो यहाँ पे टू में जो है वो कैश ही जा रहा है, बैंक से जाएगा तो बैंक का अकाउंट डाल देना, अदरवाइज कैश जा रहा है, तो कैश 4,000, Ctrl+A। इस तरह से ये एंट्री भी हो गई कंप्लीट। अब आगे आते हैं, अगली एंट्री है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिया है 1,000 रुपीज का। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट 1,000 और अगेंस्ट में कैश जा रहा है। अगर बैंक से आप पे करोगे किसी अकाउंट से, चेक से, UPI से, तो वहां पे जिस बैंक की UPI होगी, जिस बैंक का चेक होगा, वो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट में। फिलहाल कैश है तो टू कैश अकाउंट। तो यहां पे अब हम लोग Alt+C से अगेन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट, ये चला जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, Ctrl+A मैंने कर लिया, 1,000 रुपीज है, या जो भी हो वो आपको यहां लिख देना है, टू कैश। मैं बार बार बोल रहा हूं कैश आपने पेमेंट किया इसीलिए यहां पे कैश है। अगर आप अकाउंट से करते हो, चाहे मोड जो भी हो, चेक से करो, UPI से करो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, तो उस केस में वहां पे कैश की जगह पे टू में उस बैंक अकाउंट का को सेलेक्ट करना होगा जिससे आपने पेमेंट किया है। फिलहाल तो ये कैश है, मैंने कैश सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+A दबा दिया। अब अगली एंट्री है कि आपने जो फर्नीचर खरीदा ना, जितने का भी, उस फर्नीचर का इंश्योरेंस का प्रीमियम आपके बैंक ने पे किया है 300 रुपीज। मतलब अब प्रीमियम क्या है भाई, तो प्रीमियम आपका एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR 300। लेकिन ये कैश नहीं है, ये बैंक ने पेमेंट किया है, मतलब आपके अकाउंट से कटा है, तो जिस बैंक के अकाउंट से कटा है टू में उस बैंक का नाम आना है। तो ये एंट्री फिर अगेन मैं करूंगा पेमेंट से, Alt+C से मैं यहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बना लेता हूं। आप चाहो तो इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फर्नीचर अकाउंट भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैंने इसे डाल दिया, Ctrl+A एक्सेप्ट कर लिया। 300 रुपए की एंट्री करनी है, 300 रुपए मैंने डाल दिया टू में SBI, चूंकि बैंक से ही पेमेंट हो गया है, और यहां से फिर वही यहां पे आ गया कैवा इंस्टॉलमेंट है भाई, ये चीजें मैंने यहां से एक्सेप्ट कर ली। तो इस तरह से आपकी ये सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आप देखो यहां आपने तो एंट्री कर लिया, अभी आप बैलेंस शीट देखो, Alt+F1 डिटेल्स बैलेंस शीट यहां पे आ गया। आपके पास कैपिटल क्या है, 80,000 है। फर्नीचर के रूप में आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है 4,000 रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोगों ने मेंटेन ही नहीं किया है। कैश इन हैंड 36,000 है। बैंक में आपका 29,700 रुपया है। और देखो प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर आ रहा है कुछ 10,300 रुपए। कैसे भाई, तो आपने परचेस किया है 15,000 रुपए का सामान, जबकि सेल 11,000 का किया है, मतलब आपका लॉस जो ग्रॉस आ रहा है वो 4,000 आ रहा है। और 4,000 के अलावा आपने 6,300 रुपए खर्च किया है, जिसमें 1,000 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, 300 रुपए इंश्योरेंस का प्रीमियम है, और 5,000 रुपए आपने सैलरी दिया है। तो नेट लॉस आपका हो जाता है 6,300 प्लस 4,000, मतलब 10,300, और इसकी शिफ्टिंग यहाँ बैलेंस शीट में हो चुकी है। तो इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से ऐसी एंट्री सीख सकते हो। मैंने आज से अपने इस YouTube चैनल पर टैली प्राइम के अंदर ऐसी एंट्रीज का सीरीज शुरू किया है, ये पहला वीडियो है। अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला है, और आप लोग चाहते हैं कि और भी वीडियोस मैं अलग अलग टॉपिक पे बनाऊं, तो कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखेंगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।
और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अलॉट।